जहर बांडी नदी में बहाया जाता है और यही वो पानी है जो हर घर तक पहुंचता है। यहां मत आना, यहां जहर बनाया जाता है और यही जहर बांडी नदी में बहाया जाता है। न जाने कैसे कैसे ये पानी हर घर तक पहुंचता है जो पीना जानलेवा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जानलेवा है इस पानी को हर घर तक पहुंचने से रोकना। क्योंकि अगर आपने इसे रोकने की कोशिश की तो आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे और आपको मरता हुआ छोड़ दिया जाएगा। कम से कम 20 से 22 वार किए हुए दोनों पैरों पे, मतलब कंटिन्यूस वार हुए। एक आदमी इधर खड़ा था, एक इधर खड़ा था, एक मेरे चेस्ट पे बैठा था, एक आदमी ने मेरे दोनों पैर पकड़े हुए थे और बाकी 4-5 और घेरे डाले हुए थे और वो मतलब कंटिन्यूस इस पैर और इस पैर पे वार चल रहे थे। और ये जो चेस्ट पे बैठा था वो मुक्के मार रहा था, एक पास में खड़ा था वो सीधी लकड़ी से यूँ मार रहा था, एक किसी के शायद प्लास्टिक का या कुछ ऐसा था पाइप या उसने सिर पे वार किया। उसमें गुंडागर्दी की, कानून को आंखें दिखाने की, नियम को नदियों में जहर के साथ बहाने की, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये कहानी है जहर फैलाने की, ये कहानी है जानलेवा हमले की। जैसे हम उसने फोन बाहर निकला तो वहां से 10-12 आदमी एकदम हाथ में सरिये पाइप और लकड़ी और लेके भागे हमारी तरफ। ये कहानी है पुलिस के खत्म होते डर की और ये कहानी है नियमों की नदी में बहने की। और ये मामला है पुनायता औद्योगिक क्षेत्र में अमरचंद समदड़िया की लार की फैक्ट्री का, जो रात के अंधेरे में फैक्ट्री के जहरीले पानी को बांडी नदी में बहाते हैं। सीटीपी फाउंडेशन के दो कर्मचारी जब रात को नदी में जांच कर रहे थे तो उनको पानी की आवाज सुनाई दी। टॉर्च जलाकर देखा तो पाइप दिखा, पाइप का पीछा किया तो कंपनी तक पहुंच गए। वीडियो बनाना शुरू किया तो 8 से 10 लोगों ने हमला कर दिया। इस पूरे प्रकरण को लेकर हमारे साथ पीड़ित विनोद शर्मा मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या ये पूरा मामला रहा और किस तरीके से हमलावरों ने इन पर हमला किया। जी, एक्चुअली क्या है, सीटीपी ट्रस्ट की तरफ हमारी ड्यूटी लगाई हुई है चेकिंग कार्य के अंदर, तो हम और हमारा साथी ब्रजेश दोनों फैक्ट्रियों के पीछे जो बांडी नदी है उसमें हम चेकिंग कर रहे थे। तो अभी 2-3 दिन पहले 3 तारीख को भी हमने केबी डाइंग प्लॉट नंबर F1516 के पीछे पाइप लगा हुआ देखा तो हम वहाँ गए और जैसे हमने वीडियोग्राफी शुरू की तो उन्होंने पाइप अंदर खींच लिया तो वो वीडियो बन नहीं पाया, तो हम वहाँ से वापस निकल गए। लेकिन वो हमारा रूटीन कार्य है रोज़ वहाँ जाना और चेक करना, और तो हम वैसे ही 5 तारीख को भी गए हम। तो जैसे ही गए हम तो वहाँ हमें टाइम लगभग 10:15 बजे के आसपास, 10 या 10:15 बजे था, हम गए और वो पाइप लटक रहा था वहाँ। तो हमने टॉर्च मारी तो फाइनल कन्फर्म हो गया कि हाँ वास्तव में पाइप है। तो मैंने हमारे साथी ब्रजेश को बोला, मैंने कहा वीडियो बनाओ। जैसे ही हम उसने फ़ोन बाहर निकला तो वहाँ से 10-12 आदमी एकदम हाथ में सरिये पाइप और लकड़ी और लेके भागे हमारी तरफ। तो हमने सोचा यार 10-15 वो है तो हम तो दो जने ही हैं, मार देंगे हमको। तो हम वहाँ से वापस बाहर निकलने के रास्ते से भागने लगे। तो वहाँ से हम भागते भागते लगभग फैक्ट्री नंबर 9 के कॉर्नर तक पहुँच गए। वहाँ पर मैं एकदम से नीचे गिर गया और ब्रजेश मुझसे थोड़ा आगे था तो वो ऊपर चढ़ गया। तो मैंने उसको बोला ऊपर जाके अपने प्लांट से आदमियों को बुला के ला, नहीं तो मार देंगे अपने को। जितने उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, पकड़ के वहाँ मुझे बुरी तरह से मारा, पाइपों से, सरियों से, और सिर में और पीठ में और कमर में और पैर पे कम से कम 20 से 25 वार किए, दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिए। और 10-12 आदमी थे जिसमें वो जो एक उसका आदमी था वो कुछ मोदित मोदित करके आवाज़ दे रहा था, मोदी जी का कहा हुआ है, मोदी जी का कहा हुआ है।
ठीक है, और उसमें एक कोई मांगू ऐसा करके भी वो बोल रहे थे। जब तक हमारे स्टाफ वाले आगे वो बुला के लेके आया, तो एक नरपत सिंह था और एक मालाराम, तो वो आपस में जैसे हमारे स्टाफ वाले आए तो भागे ना, भागते भागते वो नाम उन्होंने बताए, अरे क्या नरपत चलो मांगू भागो, वो इनके स्टाफ वाले आगे हमको मार देंगे। तब वो भाग गए, वो नहीं भागे होते हमारे स्टाफ नहीं आया होता तो शायद मेरे सिर में वार करने वाले थे। इस दौरान विनोद कुमार गड्ढे में पैर फंसने से वहीं गिर गए थे। सदर थाना प्रभारी राम प्रताप सिंह ने बताया कि विनोद शर्मा के भाई महेश कुमार पुत्र मदन लाल शर्मा ने अमरचंद समदड़िया के बेटे सहित नरपत सिंह मालाराम सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दिनांक 6 और 7 गत की रात्रि में जो इंडस्ट्रियल एरिया पुनायता स्थित फैक्ट्रीज हैं उनमें कुछ शिकायत थी, CPT के पास भी पीछे कुछ गंदा पानी वगैरह निकाला जाता है चोरी छिपे, तो उसको चेक करने के लिए जो उनके कार्मिक जो रखे हुए हैं वहाँ पे वो गए थे। उसमें से विनोद कुमार करके हैं, तो उनके साथ फैक्ट्री के कुछ जो मजदूर और जो कार्मिक थे उन्होंने मारपीट की। उसके संबंध में सूचना मिलने पर पुलिस ने संज्ञान लिया और उसके पश्चात उसे रिपोर्ट प्राप्त करके उस पर जानलेवा हमले के संबंध में नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और सीनियर ऑफिसर्स के निर्देशानुसार और कार्रवाई करते हुए अपने 1 नामजद अभियुक्त नरपत सिंह सहित संबंधित 2 अन्य को कल ही दिनांक 7 तारीख को हमने हिरासत में लेके बात पूछताछ उनको अरेस्ट किया है। इसके अलावा जो भी इसमें लिप्त हैं उनकी भूमिका की जांच कर शेष आरोपियों के खिलाफ भी नियमानुसार संबंधित धाराओं में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मामले में दुखद बात यह है कि CETP के जिस सुपरवाइजर के साथ जानलेवा हमला हुआ है उसको अपने ही स्टाफ का उतना सहयोग नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। फैक्ट्री मालिक की दादागिरी के आगे CETP फाउंडेशन फेल। CETP के सुपरवाइजर ने निभाया अपना कर्तव्य तो फैक्ट्री मालिक ने दिखाई अपनी दादागिरी। CETP के सुपरवाइजर के तोड़ दिए पांव। इस घटना के बाद CETP के अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध। घटना के बाद भी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ नहीं की सख्त कार्रवाई, ना ही पुलिस केस में दिखाई दिलचस्पी। इस घटना के बाद CETP फाउंडेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सुपरवाइजर के साथ हुए जानलेवा हमले के बाद अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके दिखाएं, ताकि विनोद शर्मा जैसे जाबाज इन फैक्ट्री मालिकों की पोल खोलते रहे। बहरहाल ऐसी फैक्ट्री को बंद होना चाहिए। बतौर सुपरवाइजर जांच कर रहे विनोद शर्मा को इतना पीटा जाता है कि वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का इस पूरे मामले पर कहना है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी लिप्त पाए गए हैं उनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ CETP के कर्मचारियों की सुरक्षा का ही नहीं है, बल्कि यहाँ सवाल उस फैक्ट्री के मालिक का है जो न तो NGT के नियमों को मानता है, न खाके को कुछ समझता है, न जिसमें कानून का डर है और न ही वो किसी की जान लेने से डरता है। इस पूरे मामले पर पुलिस को सख्ती दिखानी चाहिए, इस पूरे मामले पर सिस्टम को सख्ती दिखानी चाहिए, ताकि इस तरीके से कोई अन्य ना तो फैक्ट्री के नियमों के साथ खिलवाड़ करे और ना ही किसी की जान से। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ रिपोर्टर आरती शर्मा, द PK टाइम्स।